महाराज प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है दीक्षा ध्यान क्या, क्यों और कैसे। रश्मि जी सुराना हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप रश्मि जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अब आप सभी को पता है कि हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो आज के इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि ट्रेनर है हमारे अपने रश्मि जी जो सुराना कोलकाता से है, और बहुत सारे वो मैंने उनमें टैलेंट छुपे हैं बहुत सारे। सी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और उन्होंने जो कोलकाता में रहती है और क्या क्या नहीं किया, कवि भी है, लेखक भी है। उनका कविता ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उसमें उसमें भी नोन हुई है ऐसे, और बहुत प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर भी है, कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दी है, अनेक संगठन के पदों पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे हमारे रश्मि जी का हम ताली रिकॉर्डिंग बजा के हार्दिक प्रोग्रेस। हार्दिक करेंगे। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के रश्मि जी का हम स्वागत करेंगे, जोरदार ताली। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि जी, यू आर वेलकम। आप में इतना टैलेंट है, इतना बड़ा उनका बायोडाटा है कि क्या क्या बताऊँ। प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर, योगा ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, कवि, क्या क्या नहीं है, बहुत कुछ। तो मैं पुनश्च इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इसके पहले भी बहुत बेहतरीन अच्छे अच्छे सेशन उन्होंने लिए है, तो इसी श्रृंखला में आज का सेशन भी लेंगी। तो रश्मि जी, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। आराध्य के चरणों में वंदन। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप जैसे सभी प्रबुद्ध लोगों से मध्य में जुड़ सकी, और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी एमपी के फिटनेस नागपुर, कल्याण योग केंद्र सूरत एवं संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग अमरावती को, और मेरे विशेष धन्यवाद हैं आनंद अंकल और राजू जी को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मैं नहीं जानता। पहले मुझे ये जानना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और आज आप सभी भी अपने बारे में अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए जो आप यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबका स्वागत भी करती हूँ। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में शत शत वंदन। आज हम अपनी मैं आप सबको अगर आज पूछती हूँ कि आपकी आंख कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? यह मेरी आंख है। आप सभी पॉइंट आउट करें कि यह मेरी आंख है। अगर हम पूछते हैं कि हमारे हाथ कहाँ है, तो हमेशा कहते हैं यह मेरे हाथ है। अगर आपको कोई कहे कि तो
कि आपका शरीर कहाँ है, तो हम कहेंगे यह मेरा शरीर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ हो, क्या आप अपने आप को पॉइंट कर पाओगे? जब भी आप पॉइंट करोगे, आप कोशिश करके देखें, जब भी आप पॉइंट करोगे आप अपने शरीर को, अपने अंगों को पॉइंट करोगे, तो फिर आप कौन हो? इसका अर्थ ये हुआ कि हम अलग हैं और हमारे शरीर, हमारा अंग अलग है, वो हमारी बिलोंगिंग्स हैं। हम ये कहते हैं यह मेरा शरीर है। क्या कभी आपने सुना है कि अगर किसी ने कहा हो कि मैं शरीर हूं? नहीं, हम ये कहते हैं मैं आत्मा हूं। इसका मतलब आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर हमारी बिलोंगिंग हो सकती है, पर हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा और शरीर के इस सम्मिश्रण से हम बने हैं। हमारा शरीर है तो हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा है तो हमारा शरीर है। दोनों के समन्वय से सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह से हमारा शरीर और आत्मा अलग भी है, लेकिन जब तक दोनों साथ नहीं होते तब तक उनका अस्तित्व भी नहीं है। अब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ, सिंपल सा। आज घर में अगर दो जन हैं, अगर कहीं पे भी दो जन होंगे, तो उनके मतभेद भी होते हैं, डिफरेंस भी होता है, प्यार भी होता है, बैलेंस भी होता है, सब कुछ होता है। उसी तरह हमारे शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग हैं, तो उनमें समस्याएं भी होंगी, प्रश्न भी होंगे कि कैसे दोनों को हम अच्छा रख सकते हैं, दोनों में हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं। एज देर इज अ की फॉर एवरी लॉक, देर इज अ सल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। आप सब मानते हैं इस बात को? अपना हाथ हिलाकर कहें यस, सभी समस्याओं के समाधान है। यस, तो शरीर क्या है, उसे हम कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, ये शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान क्या है, हम दोनों में बैलेंस रख करके आगे कैसे चल सकते हैं, इन सब का सल्यूशन है प्रेक्षा ध्यान। लेकिन आप सबके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि प्रेक्षा ध्यान ही क्यों, इसमें क्या ऐसा विशेष है? इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहूंगी प्रेक्षा ध्यान के मार्ग को जानो। जब ये जान लो कि ये मार्ग क्या है, ये है सहज सरल जीने की कला। ये है सहज सरल जीने की कला, तब अपने आत्म कल्याण के लिए उसको अपने जीवन में अपनाओ और पाओ जीवन में सुख समृद्धि आनंद सफलता का उपहार, और कर पाए और कर पाओ स्वयं अपना आत्म साक्षात्कार, और कर पाओ अपना आत्म साक्षात्कार। हमारे आज के युग में हम मेडिटेशन ध्यान का शब्द बहुत अधिक सुनते हैं, जहां भी देखो ध्यान ध्यान ध्यान। इसी तरह हमारे जैन पद्धति में भी ध्यान भगवान महावीर के समय से है, हमें महावीर के समय से ध्यान की पद्धति मिलती है, लेकिन समय के साथ लुप्त होती चली गई। हमारी ये पुरातन जो पद्धति थी ध्यान की, वो समय के साथ लुप्त होती चली गई। गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा एवं आज्ञा से जैन ध्यान पद्धति के तत्वों को खोज कर उन्हें व्यवस्थित रूप दे प्रेक्षा ध्यान पद्धति को तेरा पंथ धर्म संघ के 10वें गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पुनः उद्धारित किया एवं प्रतिष्ठित किया।
उन्होंने स्वयं 11 वर्षों तक एकांत में साधना की, योग पद्धति ध्यान योग की प्रबल साधना की। आपने भगवान महावीर की जैन ध्यान पद्धति के साथ अन्य अनेक भारतीय योग पद्धतियों का अध्ययन भी किया। 11 वर्षों की कठिन साधना के बाद स्वयं को प्रयोगशाला बना करके 1975 में जयपुर के शीश महल में प्रेक्ष्य ध्यान पद्धति का अभिवारण और नामकरण। प्रेक्ष्य ध्यान का लक्ष्य क्या है? अब बिना लक्ष्य के कभी कोई बात नहीं होती, तो प्रेक्ष्य ध्यान का लक्ष्य क्या है? क्यों हम प्रेक्ष्य ध्यान को चुने? प्रेक्ष्य ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। अगर हम कहें, इसका अर्थ है आत्मा की शुद्धि, यानी कि इमोशनल प्यूरिफिकेशन। प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो होना ही चाहिए, हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसका उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य के हम कभी कोई काम नहीं करते। तो प्रेक्षा ध्यान जैसी चीज का मुख्य उद्देश्य है अपनी एकाग्रता को बढ़ाना। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम अपने नकारात्मक भावों से मुक्त होते हैं, हमें शांति मिलती है, हम अंतिम सत्य को जान पाते हैं, हम अपना आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, इस पल में जीना सीखते हैं, अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़कर इस पल में हम कैसे जिए ये हम जान पाते हैं। हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, उसे सकारात्मक बना सकते हैं, अपने जीने के नजरिए को बदल सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान का आधार, प्रेक्षा ध्यान का आधार है भगवान महावीर की ध्यान साधना एवं जैन दर्शन पर ये आधारित है। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता है, आत्मा के स्वरूप को मानता है, ये आस्तिक विचारधारा है, ये कर्मों को मानता है, ये आत्मा एवं शरीर की भिन्नता को स्वीकार करता है। ये प्रेक्षा ध्यान इस तरह कर्म को मानता है, कर्म की थ्योरी को प्रेक्षा ध्यान मानता है। हम किस तरह अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपने कर्मों से निजात पा सकते हैं और समर निर्जरा करके हम अपनी आत्मा को हल्का कर सकते हैं, इसको मानता है। समर निर्जरा हमें दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। संवर, संवर यानी नए कर्मों के बंधन ना हो, और निर्जरा यानी हमारे पुराने कर्म हैं वो छूटते चले जाए। जब दोनों होते हैं, जब दोनों एक साथ चलते हैं, जब हम दोनों की तरफ ध्यान देते हैं, तब आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, हल्की हो जाती है। अब कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें किस चीज से मुक्त होना होगा? हमें राग द्वेष से मुक्त होना होगा, और राग द्वेष से मुक्त होने के लिए हमें ज्ञाता दृष्टा भाव लाना होगा। ज्ञाता दृष्टा भाव यानी ना किसी चीज के प्रति राग और ना ही किसी चीज के प्रति द्वेष, और यही है ध्यान में सफल होने का मूल तत्व, यानी कि बेसिक एलिमेंट। तो प्रेक्षा ध्यान के मूल तत्व भी है एकाग्रता से राग द्वेष से मुक्त होकर गहराई से देखना, और यही अर्थ है प्रेक्षा शब्द का। प्रेक्षा, प्रेक्षा दो शब्दों से बना है, प्र और ईक्षा। ईक्षा यानी कि देखना, और जब उसके साथ प्र जुड़ जाता है उसका मतलब है गहराई से देखना, एकाग्रता से देखना।
बिना किसी राग द्वेष के देखना। आज हम एक नॉर्मल सी चीज है, आज जब भी हम किसी देश चीज को देखते हैं हम उसके साथ अपना जजमेंट जोड़ते हैं। जैसे कि आज आपने पेड़ को देखा, बहुत सुंदर कोई फूल को देखा, तो आप बोलेंगे ये उसको देखते ही आपके मन में विचार आएगा कि ये बहुत सुंदर है। आज अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो किसी को लग रहा है ये अच्छा बोल रही है, किसी को लग रहा है बेकार की बातें कर रही है, किसी को बोल रहा है नहीं ज्ञान की बात है। तो किसी न किसी का कोई ना कोई जजमेंट, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं सुनते हैं तो हमारा जजमेंट उसके साथ मिल जाता है। लेकिन जब हम बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी राग द्वेष के, एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ देखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेक्षा, और यही है हमारा प्रेक्षा ध्यान। और प्रेक्षा ध्यान को गहरी एकाग्रता एवं सतत जागरूकता से देखना के लिए हमें हमारे मन, वचन और काया का संयम करना होता है। हमें हमारे शरीर को स्थिर करना होता है, शरीर के स्पंदनों को शांत करना होता है। जब हमारा शरीर स्थिर होता है, एक रूपता में आता है, तब हमारे जो मन के विचार हैं वो कम होने लगते हैं। इसके साथ साथ जब हम वाणी का भी संयम करते हैं, मौन होते हैं, बिल्कुल न्यूनतम वाणी का प्रयोग करते हैं, तब हमारा विचार आने हमारे कम हो जाते हैं और हम बिना राग द्वेष के एकाग्रता एवं जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं। और इसको बिना राग द्वेष के जागरूकता से अभ्यास करने के लिए जब हम कोई आलंबन ले लें तो वो और सहजता से हो जाता है। और इसमें सबसे सरल आलंबन है हमारा श्वास। क्या आपने कभी भी श्वास की तरफ ध्यान दिया? आज हम दिन में 20,000 से भी अधिक श्वास लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने श्वास को देखने की कोशिश की? क्या भी हमने कभी श्वास के बारे में सोचा, गहराई से सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि हमारी बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारे साथ हर पल रहता है, जब से हम जन्म लेते हैं तब जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे साथ चलती है, वो है हमारा श्वास। और वो ही हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ के रखती है। जब तक श्वास है तब तक आस है। तो क्या हम श्वास को सही तरीके से ले रहे हैं? क्यों ना आज हम सबसे पहले ये चेक करें कि जो हम श्वास ले रहे हैं वो क्या हम सही तरीके से ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी आंखें बंद करें और अपने लेफ्ट हैंड को अपने पेट पे रखें। अपने लेफ्ट हैंड को अपने पेट पे रखें और आंखें कोमलता से बंद करें और अपना सारा ध्यान श्वास पर लगाएं और अपने पेट पे हो रहे परिवर्तन को देखें, पूरी जागरूकता एवं एकाग्रता से श्वास को देखें। पूरा ध्यान आपका श्वास पर रहे। हम लंबी श्वास भरेंगे और लंबी श्वास छोड़ेंगे। लंबी श्वास भरें और लंबी श्वास छोड़ें।
श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। गहरी एकाग्रता एवं जागरूकता, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग पर आएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। मैं आप सबसे पूछती हूं, कोई भी आप बताएं, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है हमारे पेट को? पेट फूलता है या सिकुड़ता है? चैट बॉक्स में लिखे, हमारा पेट फूलता है या सिकुड़ता है? जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। वेरी गुड। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है। ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग है। अब जब आप श्वास ले रहे थे और छोड़ रहे थे, तो क्या आपने ये सोचा कि मेरी पिछली सांस है वो तो बड़ी मीठी थी, ये श्वास थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, अगली श्वास मैं बहुत अच्छे से लूंगा? जब हम एकाग्रता से और जागरूकता से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं, क्या हम ये जजमेंट करते हैं कि हमारी श्वास कैसी थी, वो मीठी थी, तीखी थी? अपना हाथ हिला के बताए हाँ कि ना। क्या हम कभी हम सोचते हैं? नहीं, यस, वी डोंट थिंक। इसका मतलब क्या है? जब हमारा ध्यान पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ श्वास पे रहता है, तो हमारा ध्यान किसी और चीज पे जाता ही नहीं है, और हम बिना किसी राग द्वेष के, बिना किस एकाग्रता के साथ हम अपनी श्वास से जुड़ जाते हैं, और उतनी देर के लिए हमारे विचार बहुत कम हो जाते हैं। पहली बार। दूसरी बार, जब हम गहराई से श्वास, लंबी श्वास लेते हैं और लंबी श्वास छोड़ते हैं, तो हमारी श्वास शांत होते, हमारे भाव शांत हो जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी श्वास का क्या होता है? जब हम क्रोध करते हैं तब हमारी श्वास को क्या होता है? हमारी श्वास बहुत तेज हो जाती है ना, और हमारा मुख का रंग भी बदल जाता है। यस, बहुत तेज हो जाती है। इसी तरह जब हम अपनी श्वास को लंबा करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। जब हमने अभी इस प्रयोग को किया, और अगर अभी आप, हम जब शांत हैं, और अगर आपको अभी कोई कहे कि आप मुझ पर गुस्सा करें, तो क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम अंदर से शांत हैं, हमारे भाव शांत है। तो इस तरह दो तरह की श्वास होती है, एक जो
नॉर्मल श्वास, और एक होती है हम सोच करके जब करते हैं, जैसे कि अभी हमने किया। तो इस तरह जब हम श्वास का सहारा लेते हैं तो हम ध्यान की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं, हम गहराई से अपने भीतर उतरने का अभ्यास कर सकते हैं, हम अंदर आराम से उतर सकते हैं। और जो हमारे विचार, जो कि आज किसी को भी पूछो ये कहता है कि जब भी मैं ध्यान करता हूं मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता, मन में न जाने कहां कहां से विचार आ जाते हैं, हम तो पता ही नहीं, जो चीज कभी सोचते नहीं है वो भी ध्यान में आ जाती है। तो अगर हम श्वास का सहारा लेते हैं तो हमारे हमारे आराम से हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और श्वास का आलंबन ऐसा आलंबन है जो हमें हर वक्त उपलब्ध है, 24/7 वो हमारे पास है, हम किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगे कि भाई हमको म्यूजिक चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, अगर ध्यान करना है तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हमारे पास जो 24/7 आसानी से उपलब्ध है, हम उसका आलंबन लेते हैं। ये श्वास एक इसी तरह हम अगर श्वास के साथ जुड़ करके अपना ध्यान प्रारंभ करें तो हम आगे धीरे धीरे बहुत सी चीजों में बढ़ सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान का, इसीलिए हम कहते हैं प्रेक्षा ध्यान में 8 अंग है, इसके 8 मुख्य अंग है, जिसमें से एक है श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, शरीर प्रेक्षा, अंतर यात्रा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, मंत्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा एवं भावना। और इसके 4 सहायक अंग भी हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। प्रेक्षा ध्यान एक सहज सरल पद्धति है जिसे किसी भी उम्र में किसी भी वर्ग के लोगों द्वारा किया जा सकता है, इसके लिए किसी भी पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इसको कर सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ बने रहें, आप स्वस्थ रह सके। आप इससे कि अगर आप किसी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पीड़ा से भी ग्रसित हैं तो भी प्रेक्षा ध्यान अपनाकर आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है, ऐसा प्रयोग क्या, ये एक जीवन शैली है जिससे हम स्वस्थ, सफल, दीर्घायु जीवन जी सकते हैं संपूर्णता से। ये सरल रूप में हमें अनुशासित जीवन जीना सिखाती है। प्रेक्षा ध्यान किसी भी धार्मिक मान्यता को खंडित नहीं होने देती। ये आत्मा और शरीर के सह अस्तित्व को तो मानती है, पर ये सांप्रदायिक निरपेक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष की बात नहीं करता, ये इसी जीवन की बात करता है, कर्मों की बात करता है। ये वैज्ञानिकता के पर आधारित एक धार्मिक पद्धति है। ये रूढ़िगत परंपरा पर कसी खरी, और ये किसी भी रूढ़िगत परंपरा का निर्वाह मात्र नहीं है, ये वैज्ञानिक कसौटियों पर कसी खरी और लाभदायक एक पद्धति है। अनेकों वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों आदि प्रबुद्ध लोगों ने, हर वर्ग के लोग, साधारण लोगों ने भी इसे एक सहज सुलभ औषधि के रूप में माना है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से एवं 21वीं सदी में यह ध्यान पद्धति लोकप्रिय हुई और पुनः मुखर हुई। इसी परिपेक्ष में ध्यान शिविरों का सिलसिला चला और सैकड़ों शिविरार्थियों ने प्रेक्षा ध्यान पद्धति से अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरित कर एक सफल जीवन जिया। अब तो बहुत सारी
ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधाएं हैं और सैकड़ों लोग इस पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। आज हम सब भी ऑनलाइन क्लासेस से ही जुड़े हुए हैं और आज ये विज्ञान का इतना बड़ा एक आविष्कार है जिससे हम घर बैठे कितना कुछ सीख सकते हैं। तो परीक्षा ध्यान ने भी अपने इस प्रारूप को अच्छे से लोगों तक पहुंचाया। इसलिए बंधुओं, मैं आप सब से कहती हूं, आप जो स्वप्निल संसार में जग में झूल रहे हो, मन की उन्मत्त लहरों में बह औरों के पैमाने से स्वयं को माप रहे हो, स्वयं को आलाप रहे हो, दे अपने मन के दरवाजे पर दस्तक, दो अपने मन के दरवाजे पर दस्तक, करें चेतन अपने अंतर मन को, करें चेतन अपने अंतर मन को, अपना कर प्रेक्षा ध्यान को, बने अपने पथ निर्माता, अपना कर प्रेक्षा ध्यान को, बने अपने पथ निर्माता, निज पर कर अनुशासन, करें अपना आत्म साक्षात्कार, निज पर कर अनुशासन, करें अपना आत्म साक्षात्कार, स्वस्थ स्वमृद्ध स्वानंद सफलता का जीवन पाए। पगडंडी नहीं बंधुओं, पगडंडी नहीं, प्रेक्षा ध्यान का राजपथ अपनाए, प्रेक्षा ध्यान का राजपथ अपनाए। तो बंधु, प्रेक्षा ध्यान भीतर में छिपी चीज को खोजने का प्रयत्न करवाती है और उसके लिए चाहिए, लेकिन इसके लिए चाहिए हमें दृढ़ संकल्प और प्रबल पुरुषार्थ। हमारी शक्ति सारी की सारी भीतर है और इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो हमारे भीतर है। आदेश सारा हमारे को भीतर से मिलता है, हमारा रिमोट भीतर है, वही बाहर के रोबोट को संचालित करता रहता है। ध्यान जैसे हम उससे रिमोट से टीवी चलाते हैं, उसी तरह हमारा भीतर का रिमोट हमारे बाहर को चलाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी कहा है, जियो भीतर, रहो भीतर, जियो बाहर। ध्यान से प्रवृत्तियों का शोधन होता है और इस लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान वो शक्ति है जो हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से परिचय करवाती है और हमारे जीवन में सुख दुख समृद्धि आनंद एवं सफलता लाती है। इस तरह हजार तालों की एक चाबी है प्रेक्षा ध्यान। जिंदगी का हर क्षण अपने आप में अनोखा है बंधुओं, जिंदगी का हर क्षण अपने आप में अनोखा है। इसका उपयोग ही विकास का सुंदर मौका है, इसका उपयोग ही विकास का सुंदर मौका है। जो न कर सके इन अमूल्य क्षणों की पहचान, उसका जीवन वरदान नहीं बस धोखा है, बस धोखा है। प्रेक्षा ध्यान का मार्ग बहुत ही सरल है, बस इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति समर्पण और पुनः पुनः अभ्यास की जरूरत है। एक दिन के अभ्यास से इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। आज मैं आपको सिखाऊंगी बताऊंगी, वो इसको बंद होते ही अगर आप सब भूल जाओगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अभ्यास हमें दीर्घ काल तक सक्रिय एवं निरंतर करना होगा। इस क्षेत्र में व्यक्ति एकदम छलांग नहीं भर सकता, आज किया और कल हमको इसका रिजल्ट मिल जाए, नहीं, हमें धैर्य रखना पड़ता है। उसके लिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत तो करें, कदम तो बढ़ाएं। आवश्यक है गंभीरता, गहराई, चिंतन, मनन से निरंतर प्रयोग करना, एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ
प्रयोग करना। संयम, प्रेक्षा ध्यान से ऐसा बनाओ अपना जीवन कि पहचान बन जाए। प्रेक्षा ध्यान से ऐसा बनाओ अपना जीवन कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जीवन तो हर प्राणी ही काट लेता है, ये जीवन तो हर प्राणी ही काट लेता है, मगर जिंदगी को ऐसा बनाओ कि प्राणवान बन जाए, प्राणवान बन जाए। बंधुओं, आज हमने देखा कि श्वास कितना इम्पोर्टेंट है, तो आज हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। सिर्फ करने से कुछ, सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं कर लेते। तो अभी हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। तो आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन। मुद्रा, वीतराग मुद्रा। राइट हथेली को ऊपर, लेफ्ट हथेली को नीचे रखें। राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे। इस तरह इसे अपने नाभि के नीचे स्थापित करें। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधे बैठे। आंखों को कोमलता से बंद करें। बिना दबाव के बंद करें। अब हम 3 बार मां प्राणध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते वक्त हम भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भरें, आत्मा से आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। हम अब संकल्प करेंगे, आप सभी मेरे साथ संकल्प को दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। ध्यान का अगला चरण कायोत्सव।
शरीर को स्थिर करें, प्रतिमा की भांति स्थिरता, हलन चलन ना करें। अब स्वयं शिथिलता का, स्वयं अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा, श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध एवं समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें तथा आते जाते श्वास का अनुभव करें।
लंबी श्वास ले एवं लंबी श्वास छोड़े, पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी लंबी श्वास भरें और लंबी श्वास छोड़ें। पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। लंबी श्वास भरें, लंबी श्वास छोड़ें। गहरी एकाग्रता एवं जागरूकता। लंबी श्वास भरें और लंबी श्वास छोड़ें, चित्त नाभि पर। पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए ही छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें, केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रति गहरी जागरूकता। पूरी एकाग्रता। आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगाए, केवल श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के प्रति गहरी एकाग्रता।
गहरी एकाग्रता। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए ही छोड़ें। विकल्प अगर आए तो उन्हें आने दें, उन्हें रोकने का प्रयास न करें, उन्हें दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। अपने चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट के भीतर भर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। शांति शांति शांति, आनंद आनंद आनंद। शांति वह आनंद का अनुभव करें। आनंद पूरा ललाट श्वेत रंग चमकता हुआ श्वेत रंग। शांति ही शांति, आनंद ही आनंद।
आनंद। शांति। दो तीन लंबे श्वास लें। अपना सच में से जा मे तिम्बुवे सु कपये। अपना सच में से जा मे तिम्बुवे सुखा पाए। अपना सच में से जा मे तिम्बुवे सुखा पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। अहं सुविजा शरणं पमुखम्। अहं सुविजा शरणं पमुखम्। अहं सुविजा शरणं पमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आनंद केंद्र हृदय के मध्य भाग पर स्थापित करें। अब हम शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम् पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवलीपनत्तम धम्मं शरणं पवच्छामि। अरहंते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवलीपनत्तम धम्मं शरणं पवच्छामि। अरिहन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवलीपनत्तम धम्मं शरणं
अवचामी सभी वंदना आसन में आए। अब हम सत्य की वंदना करेंगे। श्वास भरेंगे, वंदे कहेंगे, सत्यम बोलते हुए सर को जमीन से लगाएंगे। श्वास भरें, वंदे श्वास भरें, एक बार और श्वास भरें, वंदे सचम। प्रयोग संपन्न। अपने हाथों का संपुट बनाते हुए अपने आंखों पे रखें। धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे अंगुलियों को फैलाते हुए आंखें खोलें, खोलें, खोलें। ओम अरहम। ओम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने अभी प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया और प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत सी बातें जानी। अभी आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस डांगे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जैन जय जिनेन्द्र। अब जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा करवा रहे थे उस समय बोल रहे थे कि भाई श्वास संयम करो, मतलब कुंभक भी करते रहने का बीच में। आप बीच बीच में थोड़ा कर सकते हैं। कुंभक मतलब पूरा कुंभक नहीं, बस श्वास को रोकना है। कुंभक नहीं, सिर्फ श्वास संयम मतलब श्वास को रोकें और छोड़ें। अभी सूरत में प्रेक्षा ध्यान शिविर था, 8 दिवसीय आवासीय शिविर, उसमें भाग लिया था। तो जी उसमें तकरीबन 100 125 लोगों ने हर रोज आधा घंटा ध्यान करने का संकल्प किया, और अपने इस प्लेटफॉर्म में भी लगभग आनंद मल सर ने 150 जने को जोड़ा है जो हर रोज आधा घंटा ध्यान करेंगे। ओ महाराज। मूलचंद जी डागा, आज आपने रश्मि जी बहुत बढ़िया करवाया। मैं भी कलकत्ता से ही हूँ और आपका ध्यान पहली बार ही मैंने किया है, देखा है, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। और सुनीता सेठिया मेरी बेटी है, शायद आप जानते होंगे उसको। जी जी जानती हूँ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपसे मैं मिली भी थी, देशमुखिया यू। पार्क में था, तब शायद आप आए थे, तब आपसे मिली भी थी मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा याद नहीं। थैंक यू। चंदा जी चोपड़ा, यस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चंदा जी सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी तरह से करवाया आपने, बहुत अच्छा समझाया पूरे ध्यान के विषय में, और करवाया भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञोस्मि, बहुत अच्छा लगा। अनिल जी बेंगा ने अनम्यूट कीजिए। अनिल जी बोलिए। जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि श्वास परीक्षा और विपश्यना में मूलतः क्या अंतर है ऐसे?
विपश्यना में सिर्फ मौन रहते हैं और जैसे श्वास आती है उसी को देखना होता है, जहां तक मुझे पता है। लेकिन हमारी जो श्वास परीक्षा है उसमें हम अपने तरीके से करते हैं कि जब अलग-अलग तरह के श्वास के प्रयोग करते हैं, उसको अपने कंट्रोल से अपने तरीके से करते हैं। विपश्यना में जहां तक मुझे मालूम है उसमें जैसी श्वास प्रश्वास आती है उसको सिर्फ देखते हैं। इसके अंदर हम लंबा श्वास लेते हैं, दीर्घ श्वास में लंबा श्वास लेते हैं, लंबा श्वास छोड़ते हैं। और शब्दाल श्वास में हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लिया, रोका, छोड़ा, रोका। इस तरह हमारे जो प्रयोग हैं उसके अंदर हम अपने कंट्रोल से जिस तरह से हम चाहते हैं उसको आगे के आगे तरफ बढ़ाते हैं। जहां तक मुझे मालूम है विपश्यना में, उतना मुझे विपश्यना का ज्ञान नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम विष्णु है ये फर्क। जी बिल्कुल सही, जहां तक मुझे भी जानकारी है यही बात है। हमारा जो परीक्षा ध्यान में श्वास परीक्षा है, उस श्वास हमारा प्रयत्न जनित होता है, प्रयास पूर्वक श्वास को हम लंबा करते हैं। और जो विपश्यना में कहा जाता है, नॉर्मल श्वास जो होता है, जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसी को देखते रहना है, उसमें प्रयत्न पूर्वक श्वास नहीं लिया जाता है। बिल्कुल अमित जी दुगड़। अनम्यूट कीजिए अनम्यूट जी। यस जयंत, आज बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये कराया और पूरा एकदम पूरा फुल टाइम था आपके पास, मतलब कहीं पे भी कंजूसी नहीं की आपने, और बहुत अच्छा लगा। पूरा डिटेल से एकदम सुनने को मिला और हर चीज का ज्ञान हुआ, सांस पे भी अपना पूरा कंट्रोल हुआ, और 1 घंटा कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा, और बस आपको देखते रहा करते रहा, बहुत ही अच्छा हुआ। कमर सर, प्रैक्टिकल में हमारे अगर हम हड़बड़ी करते हैं तो उसका अनुभव हमें नहीं होता है। सिर्फ सुनने से हम जान पाते हैं, लेकिन जब हम नहीं, प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें अनुभव होती है इस चीज को। आनंद भाई जी के साथ अनुभव हम सबसे रेगुलर बड़ा होता है। प्रेयर हमेशा करते रहते हैं, इसलिए अनुभव है। सिर्फ लाडनो में और वहां, मतलब अभी तक किया नहीं, एक बार करने की इच्छा है, मौका जी सर, मिला जरूर करेंगे। कमल फूल से हाँ ले। मैडम, कमल मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। उसके बाद मीना जी, कुछ कहना है आपको? मीना जी वो ना, चलिए। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ और परीक्षा ध्यान से बाहर निकलने के लिए मन ही नहीं करता था, इतना अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते। अनुभव हम सबके बढ़िया अनुभव हो रहे हैं, आप ध्यान से जुड़े हुए हैं, और नियमित हमारे साधक साधिका है जो है, नियमित हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिदिन ध्यान का संकल्प भी आप लोगों ने लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को जोड़े, हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम एक एक जन भी, अगर एक एक जन को जोड़ते हैं तो संख्या डबल हो सकती है, तो ये प्रयास हमें नियमित करते रहना है। हाँ, एक ऑफलाइन शिविर शुरू था, तो फिर भी हमारे जो रश्मि जी है, वो तो आप सभी को पता है बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, और बहुत ज्ञान उनके पास है, इसलिए आज की जो कक्षा है, डेफिनेटली मैं ऑफलाइन होने के कारण बीच बीच में ज्वाइन होता था, तो बहुत सुंदर क्लास लेती है, बहुत सुंदर पोएट भी है, लेखिका, क्या क्या नहीं है। तो आज तो निश्चित रूप से आपके सबसे फीडबैक से पता चल रहा है बहुत अच्छा सेशन उन्होंने कंडक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि जी, हमें बहुत खुशी होती है कि आप जब भी क्लास लेती है तो निश्चित रूप से कुछ हटके कुछ नया लोगों को देने का प्रयास करती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और त्रिवेणी संगम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड डे, बहुत राम सुंदर। बिल्कुल सही डॉक्टर आपने बताया, रश्मि जी एक बहुत ही अच्छी कवियत्री, लेखिका और साथ में पत्रकार भी है। तो रश्मि जी, अरे आपसे वाह, छोटी सी कोई रचना आपकी हो, 1-2 मिनट समय है हमारे पास, तो कोई रचना जरूर सुनाइए। आज हम सब शहर की दौड़ती भागती जिंदगी में व्यस्त रहते हैं और गांव की तरफ नहीं जाते हैं, तो उससे हमारे मन पे क्या असर होता है उसके ऊपर एक आपको कविता सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। शहर की दौड़ती भागती जिंदगी में
शहर की दौड़ती भागती जिंदगी में जो अपने को हम भूल गए हो, यादों में खोए ख्वाबों, चंद उम्मीदों की खुरचनों को टटोलो, अपनी यादों की पुस्तक के वे पन्ने खोलो जो आज भी आपको गुदगुदाते हैं, वो उगते भानु की लालिमा, वो चमकते ओस की बूंदे, वो मंदिर की घंटी, वो सिया राम राधे कृष्ण का नाम, दूर से आती अजान की आवाज, वो आंगन की चौकी, वो सौंधी सी मिट्टी, वो चूल्हे की रोटी, वो चूल्हे की रोटी, वो लहलाते खेत, वो पेड़ के बेर, वो सावन के झूले, वो बरगद की छांव, वो कुएं का पानी, वो पत्ते पर कुल्फी, वो पत्ते पर कुल्फी, वो सुरों की तान, माँ की लोरी, वो चांद की चांदनी, वो छत पर कटिया खटिया पर चैन से सोना, वो अरे छत वाह, पर खटिया पर चैन से सोना, रात उतार चांदनी, जो पहने धूप की धोती, इन यादों से फिर मन को उजासो, खोल अपनी बाहें, खोल अपनी ब्याहें, प्यार से भर इन्हें, हर पल एक नया समा निगाह में बसा लो, एक नया समा निगाह में बसा लो, यूं फिर भावों को अर्थ मिलेगा, यूं फिर भावों को अर्थ मिलेगा, जीवन का नया भावार्थ मिलेगा, जीने को जिंदगी में फिर एक नया आयाम मिल जाएगा, जीने को जिंदगी में फिर एक नया आयाम मिल जाएगा, जीना सार्थक लगने लग जाएगा, जीना सार्थक लगने लग जाएगा। ओम अरहम ओम और अरहम। तो बहुत ही सुंदर एक कविता अभी हमने सुनी। तो अभी समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है, दोनों हाथ जोड़ते हुए। मैं आप सभी को बहुत सर एक मिनट आनंद अंकल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंकल आपका तो विशेष करके आपका और राजू जी की इतनी प्रेरणा रहती है कि मैं बार बार आप सबसे जुड़ने की मेरी इच्छा भी रहती है और जुड़ भी जाती हूँ, और आप सभी का ओम बहुत प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, इसके लिए ओम अरहम। ओम, दोनों हाथ आपस में मिले हुए आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब आनंद अंकल आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब आपके हमारी है। बहुत 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 अच्छे करा। ओम आराम। हाँ अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन प्लीज। जय जिनेन्द्र। आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान के ऊपर एक नारा बनाया था, उसका संगान करते हैं। कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा साधना ध्यान द्वारा, साधना। कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान ध्यान साधना साधना द्वारा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक फिटनेस घंटा का डोज, फिटनेस रोज, का डोज, एक घंटा एक रोज, ओम अरहम, ओम अरहम। घंटा।